आप सभी दोस्तों का मैं मनीषा स्वागत करती हूँ हमारे हेल्थ फर्स्ट शो में। दोस्तों अब मौसम बदल रहा है, हाल ही में हुई बारिश से सर्द गर्द का मौसम हो गया है और मौसम के बदलाव में जुकाम खांसी बुखार जैसी बीमारियां बढ़ने लगी हैं और साथ ही साथ इस बार डेंगू का भी खतरा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इन बीमारियों की चपेट में ज्यादातर बच्चे ही आते हैं। अगर इस समय थोड़ी सी सावधानी रखी जाए और कुछ बातों का खासा ध्यान रखा जाए तो इसे यकीनन हमें बचा सकते हैं। इन्हीं सावधानियों को हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए हेल्थ फर्स्ट। आज हम बात करेंगे डेंगू की। डेंगू वायरस से फैलने वाली बीमारी है और ये वायरस मच्छरों के काटने से फैलता है। डेंगू बुखार एक संक्रामक रोग है और कुछ स्थितियों में ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। ये सब आप जानते हैं, लेकिन जब घर में छोटे छोटे बच्चे इसकी चपेट में आ जाते हैं तो आप और हम इससे ज्यादा परेशान होते हैं और उस वक्त हमें समझ ही नहीं आता है कि इसका क्या इलाज करना है और बच्चों का कैसे ध्यान रखना है और किस चीज से उन्हें हमें बचाना है। आपकी इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। अगर आपके डेंगू जैसी बीमारी से परेशान हैं और आप बात करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो फिर देर किस बात की, डायल कीजिए हमारा नंबर या फिर आप हमें मेल कीजिए। दोस्तों डॉक्टर साहब से बात करने से पहले हम जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो डेंगू की चपेट में आते जा रहे हैं, तो उसी के लिए हम आपको एक छोटा सा पैकेज दिखाना चाहते हैं जिसमें हम आपको डेंगू से थोड़ा सा अवेयर रखना चाहते हैं। मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ ही मच्छर कब आपको बीमारियों की चपेट में ले लें पता ही नहीं चलता। लाख बचाव के बाद भी बच्चे बीमार पड़ते जा रहे हैं और अब ये साधारण बुखार नहीं है बल्कि खतरनाक डेंगू है जो जानलेवा भी हो सकता है। कमजोर शरीर, शरीर पर रैशेज, तेज बुखार, उल्टी, सर दर्द से पीड़ित आप या आपके बच्चे कहीं डेंगू का शिकार तो नहीं हो रहे? डेंगू के पेशेंट्स में गिनती इस साल में इस तरह से बढ़ी है मानो जैसे बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बच्चे हो या बड़े, इस बीमारी से बचना बहुत जरूरी हो गया है और बचने से ज्यादा इस बीमारी से लड़ना और इसे रोकना अब हम सभी के ऊपर है। डॉक्टर साहब हमने अभी वीडियो में देखा कि जो डेंगू है वो बीमारी फैलती चली जाती है, तो मैं शुरुआत आपसे एक बहुत ही आम सवाल से करना चाहूंगी कि आखिर डेंगू है क्या? डेंगू एक वायरस वायरस का संक्रमण है। हमारे शरीर में ये वायरस मच्छरों के काटने से आता है और मच्छर भी स्पेशल वैरायटी का एक मच्छर है जिसको बोलते हैं एडीज मच्छर। तो ये एडीज मच्छर इस वायरस के संक्रमण को फैलाने में सहायक होता है और इसके काटने से हमारे शरीर में वायरस शरीर में प्रवेश करता है और उसके बाद शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारे जो सफ़ेद कण हैं उसमें उसका विकास होता है और उनसे निकलने वाले जो टॉक्सिन्स हैं वो शरीर में बीमारियों के लक्षण को पैदा करते हैं। तो एक वायरल इन्फेक्शन है और सबसे बड़ी बात क्या है, पिछले 30 सालों में ये वायरल इन्फेक्शन जो डेंगू है ये पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, मतलब घट नहीं रहा है, और ऐसा माना जाता है कि करीब 30 गुना इसके केसेस में बढ़ोतरी हो चुकी है। और बहुत सी बार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं जो भी वैज्ञानिक कि ये क्यों बढ़ रहा है, और एक मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग भी इसमें माना जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि मौसम बदलने से जो है बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या फ़र्क है एक आम बुखार में और डेंगू के बुखार में, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूँगी। डेंगू बुखार के जो लक्षण हैं उसमें तेज़ बुखार आता है, तेज़ बुखार आने के साथ साथ बच्चे को सिर में, बच्चे को या बड़े को जिसको भी डेंगू का बुखार है, बहुत तेज़ सिर में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होता है और उसके अलावा लाल लाल शरीर पर दाने निकलने लगते हैं।
शुरू के पहले दो दिन में दाने ना निकल के आप अगर उस बच्चे या बड़े का शरीर देखें जिसे डेंगू बुखार है तो हल्की सी ललाई लिए हुए उसकी उसकी त्वचा या उसकी स्किन पे हल्का सा ललाई होती है और उसके बाद दो तीन दिन बाद उसमें दाने आने लगते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को तेज बुखार है, सिर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है और साथ में हल्का सा ललाई है या दाने हैं शरीर पर, तो आप उसमें डेंगू बुखार होने की संभावना का ध्यान रखें। और चूंकि ये ऐसा बुखार है, शुरुआत में साधारण बुखार रहता है और धीरे धीरे इसमें जटिलताएँ आने लगती है और जब ज़्यादा जटिल हो जाएगा तो लक्षण बदल जाएंगे। ये शुरुआत वाले लक्षणों के बारे में बता रहा था जिसमें शरीर पर ललाई और दाने आ जाते हैं। जी, अगर मैं बात करूँ बुखार की तो बुखार किस तरह का रहता है उसमें, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो जान पाए। ज़्यादा आता रहता है, आता जाता रहता है, कोई पर्टिकुलर टाइम है इस बुखार के डॉक्टर साहब रहने का? नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं है। जैसे दूसरे बुखार जो इस मौसम में होते हैं खासतौर से बारिश के बाद, वो मच्छर जनित जो बीमारियां हैं उनमें एक बीमारी है मलेरिया। मलेरिया का बुखार में तेज़ ठंड लगती है। टाइफाइड का बुखार भी, टाइफाइड भी इस मौसम में काफ़ी देखने को मिल रहा है, उसमें भी ठंड लगती है पर बुखार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। शुरू में दो तीन दिन कम रहता है, चौथे दिन पांचवें दिन से तेज़ बुखार आने लगता है। पर डेंगू का बुखार है कि जिस दिन शुरू होता है उसी दिन से काफ़ी तेज़ बुखार होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये ललाई और किसी बुखार के साथ नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो दाने निकलते हैं वो भी इसी बुखार में ज़्यादा मिलेंगे। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको खसरे की बीमारी अगर हो तो ऐसे लक्षण मिल सकते हैं। और इसके अलावा जब जटिलताएँ आने लगती हैं तो आप देखेंगे कि व्यक्ति के पेट में तेज़ दर्द होने लगता है। तो अगर बुखार है, दाने हैं, तेज़ पेट में दर्द हो, बार बार उल्टियां होने लगती है या कहीं से भी खून बहने की शिकायत हो, खासतौर से जैसे नक्सी राजा नाक से खून आ जाए या किसी भी मुंह से खून आ जाए या नील पड़ने लग जाए, तो अगर आप देखेंगे कि तेज़ बुखार के साथ साथ दाने और दानों के साथ साथ अगर कहीं से भी खून बहने की स्थिति बनती है तो डेंगू होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो दूसरे बुखारों में और इस बुखार में लक्षणों में बहुत अंतर है, इसलिए इसका निदान नहीं होना आमतौर पर संभव नहीं। इसका निदान या बीमारी जल्दी पकड़ में आती है क्योंकि लक्षण बहुत ही निश्चित लक्षण है इस बीमारी में। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि खून बहने लगता है तो यकीनन डेंगू का जो रिश्ता है वो खून से भी होगा, तो किस तरह का बदलाव आता है हमारे खून वगैरह में जब हमें डेंगू होता है, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो जल्द ही पहचान सके कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, आम बुखार नहीं है, डेंगू है, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। डेंगू बुखार के जैसे मैं बता रहा था कि पहले जो ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं बीमारी की, पहली स्टेज में तो साधारण बुखार है, उसकी स्टेज में दूसरी स्टेज में इसमें क्रिटिकल स्टेट कहते हैं जिसमें जटिलताएं आती है, उसमें आप देखेंगे कि या तो व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है या खून बहने लगता है या तेज पेट दर्द या बार बार उल्टियां होना, इनमें से कोई भी लक्षण हो तो ये कि हाँ गंभीर बीमारी की तरफ जा रही है। और इसके बाद अगर आप आपका बच्चा इस बीमारी से जीत जाता है तो उसको हम तीसरी स्थिति जो आती है उसको हम बोलते हैं रिकवरी फेज। रिकवरी में आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल गया है आपके ब्लड वेसल से वो वापस आने लगता है और ब्लड प्रेशर सुधरने लगता है और खून बहने की बीमारी की स्थिति कम होने लगती है। पर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो खून में बदलाव आता है, वो दो महत्वपूर्ण बदलाव हैं। एक तो ये कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं और जो हमारे स्वतः ही जो ब्लीडिंग होती है वो प्लेटलेट्स कम होने की वजह से होती है, एक तो ये। और दूसरा, हमारे शरीर के अंदर जो खून का कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम हीमेटोक्रिट नाम से जानते हैं, वो हीमेटोक्रिट बढ़ने लगता है क्योंकि खून ज़्यादा गाढ़ा होने लगता है क्योंकि खून के अंदर से प्लाज्मा बाहर निकलने लगता है। तो ये दो बदलाव हैं जो जटिलता के कारण भी है और ये बदलाव पे नज़र रखना ज़रूरी है। जी तो डॉक्टर साहब, क्या वजह है इन मच्छरों के बढ़ने की जिससे डेंगू बीमारी जो है वो ज़्यादा फैलती जा रही है? क्या ये, अगर मैं कहूँ, वातावरण की बात है या हमारे रहन सहन का तरीका है जिस वजह से जो डेंगू है वो फैलता ही चला जा रहा है? ये कुछ हद तक तो हमारी खुद के रहने की जो रहने करने की स्थिति है वो इसके लिए निर्भर है। कारण ये है कि मच्छर, डेंगू का जो मच्छर पनपता है, आपके द्वारा कहीं भी पानी इकट्ठा किया हो, खास तौर से आप देखेंगे गर्मी का मौसम अभी गया है, लोगों ने कूलर अगर साफ करके हटा लिए तो ठीक है, नहीं तो कूलर के अंदर जो पानी पड़ा रहता है उस पानी में मच्छर पनपने लगेंगे। या और भी कोई ऐसी स्थिति है जैसे नालियां अगर पूरी ढंग से साफ नहीं है या उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है तो वो पानी उसमें मच्छर पनपने लगते हैं। तो आप देखेंगे अपने घर में, घर के आसपास ये ऐसी कोई स्थिति हो जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा हो उसे आप साफ करें और पानी हटाएं,
क्योंकि ये मच्छर केवल इंसानों को ज़्यादातर मतलब 99% केवल इंसान को काटता है और इंसान को काट के ही अपने शरीर की खुराक को पूरा करता है। तो इसलिए ये कोशिश करता है कि आपके घरों के आसपास ही रहे। और इसलिए आप अगर अपने घर के आसपास कोई ऐसी स्थिति हो जिसमें कि पानी इकट्ठा रह रहा हो और खुला पानी हो तो उससे आप बच लें। अगर वो आप बचाव कर लेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी, पर वो उल्टा रहा, हमारे घरों में आसपास सफाई में थोड़ी कमी है, पानी इकट्ठा रहता है और उन पानी इकट्ठे पानी में ये मच्छर पनपता है और इसीलिए डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या वजह है, क्या हमारे लोगों में अवेयरनेस की कमी है डेंगू को लेकर के जो ये फैलता जा रहा है? हम सब जानते हैं कि पानी इकट्ठा होता है तो मच्छर जो है वो बढ़ते ही बढ़ते हैं और साथ ही साथ बीमारियां भी आती हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे हम पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे कि वो सहनते चले जाते हैं और उनको पता नहीं लगता कि उनके शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं, वो उनकी बीमारियों का हमें पता नहीं चलता है। तो वहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको बच्चों में कैसे ये बीमारी पकड़नी है? बच्चों में भी लक्षण यही है कि बहुत छोटा बच्चा तो बहुत सी बार आपको सारे मतलब सिर दर्द पैर दर्द तो नहीं बता पाता, पर ये जरूर आपको समझ में आता है कि अगर तेज़ बुखार है आपके बच्चे को और बच्चा बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, रो रहा है कि जो एक साधारण बुखार में संभव नहीं है और साथ में शरीर पर दाने हैं, तो आप मान के चलिए कि इस बच्चे को डेंगू के लक्षण हैं, तुरंत चिकित्सक से राय लें। इसके अलावा पेट अगर फूलने लगता है या आपको लगता है कि हाँ इस चेहरे पर शरीर पर सूजन आ रही है और बुखार साथ है, तो ज़रूर आप राय ले लें, संभावना डेंगू होने की बहुत ज़्यादा है। जी डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ जो आपसे बात करना चाहते हैं। जितेंद्र है माउंट आबू से। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। जी सर, हेलो। हाँ जितेंद्र जी बोलिए। सर प्रणाम। हाँ नमस्कार सर। हमारी मिसेज क्या है, शाम को जैसे पूरा दिन काम करती है, शाम को सिर दर्द होता रहता है। आप क्या करेंगे, आपकी पत्नी को शाम को सिर दर्द होता है? हाँ जी, शाम को मैंने प्रोटीन तो कोई ऐसे बातें करते हैं ना जी, ज्यादा बात ज्यादा होता है। हाँ जी। और फिर ऑटोमेटिक सीधा दर्द चालू हो जाता है। रात को जैसे सोने की जब समय आता है ना, तब उसका सीधा दर्द चालू हो जाता है। आमतौर पर अगर सिर दर्द देर शाम को या रात को होता है तो वो आँखों से रिलेटेड है और इसलिए आप इनकी आंखों का चेकअप करा लें। और मतलब ये आज हमारा क्योंकि प्रोग्राम डेंगू पे के लिए है, तो अगर डेंगू या बुखार से कोई संबंधित प्रश्न हो तो आप बेहतर है कि आप उससे पूछें। जी तो दर्शकों, आपने जाना कि डेंगू क्या है और इसे फैलने के कारण क्या है। यहाँ पे रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे कि कैसी सावधानियां आपको बरतनी है ताकि आपका बच्चा और आप डेंगू से सुरक्षित रहे। तो यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं डेंगू की। तो अगर आप भी डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं डेंगू से रिलेटेड या कोई ऐसी बीमारी जो इस मौसम के चलते बढ़ती जा रही है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक कॉलर है हमारे साथ, राहुल हैं सीकर से, जो आपसे बात करना चाहते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए राहुल जी। नमस्ते। नमस्ते सर। मेरा मतलब पहले तो ये सर बढ़िया था, लेकिन अब धीरे धीरे 10-15 दिनों से वर्दित होने लग गया, इरिटेट होता है, सर में दर्द होता है। आपकी आवाज़ तो साफ नहीं है। जी जरा सा जोर से बोलिए आप राहुल जी, और अपने टीवी का वॉल्यूम आप प्लीज धीमे कर लीजिए। जी मैम। हेलो सर। हाँ जी सर। एक तो मतलब पहले मैं सही था, पिछले 10-15 दिनों से इरिटेट होने लग गया और क्रोध आता है बार बार। जी कहता है इरिटेशन रहती है इनको बहुत ज़्यादा। आपको खुद को इरिटेशन रहती है, और अगर बुखार नहीं है तो आप देख लीजिए आपका कोई ब्लड प्रेशर वगैरह आप नापवा लें, हो सकता है, क्योंकि आपकी उम्र कितनी है? जी नॉर्मल एज के ही लग रहे थे सर डॉक्टर साहब। तो मतलब ये कि आजकल क्योंकि यंग उम्र पे भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और उसका नतीजा ये होता है कि चिड़चिड़ापन होना, सिर दर्द होना और काम में मन नहीं लगना, ये एक साधारण स्थिति है। तो एक बार अपना ब्लड प्रेशर नपवा लें और वो अगर सामान्य आए तो एक बार फिर हमसे आप बात करें।
तो राहुल जी, डॉक्टर साहब ने जो आपको कहा है डायग्नोसिस कराने के लिए, आप प्लीज जरूर करें। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कैलाश जी हैं जयपुर से, जो आपसे बात करना चाहते हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे अभी रिलेटिव में थे, उनके बच्चे के अभी बुखार था तो डेंगू निकल गया था। हाँ जी। तो उसका इलाज करवाया था, लेकिन अभी तो 2-5-10 दिनों बाद में उसको हल्का हल्का बुखार आता है। हाँ जी। रात को काफी उसमें टेम्परेचर चला जाता है, तो डेंगू के लक्षण क्या क्या होने चाहिए होते हैं? नहीं, डेंगू आमतौर पे कुल मिला के 7-9 दिन से ज़्यादा नहीं रहता ये बीमारी, और इसलिए डेंगू बुखार, मतलब डेंगू का बुखार, मतलब शुरू में बुखार होता है, उसके बाद दूसरी जो स्थिति है उसमें जटिलताएं, और तीसरी स्थिति है रिकवरी। रिकवरी में बुखार उतर जाता है, सूजन उतर जाती है, दाने कम हो जाते हैं, केवल थोड़ी सी खुजली रहती है। पर अगर आपके जो भी बच्चा है जिसको डेंगू हुआ है और उसके बाद हल्का बुखार उसको बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसको वायरल बुखार, जो डेंगू बुखार था, उसके अलावा भी उस जटिलता में कोई ना कोई और संक्रमण उसको लग गया है। तो बेहतर ये होगा कि आप इसका एक बार ब्लड टेस्ट करा के कन्फर्म कर लें कि ये इसके जितने भी संक्रमण डेंगू का था वो ख़त्म हो गया है, और दूसरा और कोई नई समस्या उसके अंदर नहीं जुड़ गई हो, क्योंकि डेंगू होने के बाद बच्चे के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है, और हो सकता है कि ये उसको और कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया हो। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं हेल्थ फर्स्ट, जिसमें हम बात कर रहे हैं डेंगू की। तो अगर आप भी डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर बार बार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है, आशीष है नागौर से, जो आपसे बात करना चाहते हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप डॉक्टर साहब से अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, ये डेंगू के बारे में बताते हैं कि ये मच्छर है जो साफ पानी में पनपता है, और ये मिथ है या सही है एक? और सेकंड चीज ये है कि ये मतलब कि साफ पानी के बाद में इसको, जैसे प्लेटलेट्स आपने कम होने का बताया था, हाँ जी, तो इसके बारे में बताएं, इसका कोई अल्टरनेटिव और प्रिकॉशन क्या रह सकता है? और एक बार होने के बाद कह रहे हैं कि वायरल डिजीज होने के कारण ये दूसरी बार नहीं होता। आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे। पहली चीज़ तो ये है कि ये मिथ है कि ये साफ़ पानी में ही होता है। कारण ये है कि ये डेंगू बारिश के बाद या बारिश के दौरान होने वाली बीमारी नहीं, ये पूरे साल होती है। इसलिए वो मिथ, आप ये मिथ है कि इसको, ये साफ़ पानी में पनपने वाले मच्छर से होता है, पहली चीज़। इसलिए क्योंकि हम हमेशा आपको बार बार कह रहे हैं कि घर के आसपास कहीं पर भी पानी है तो उसमें ये मच्छर पनपेगा, क्योंकि ये मच्छर ज़्यादा लंबी उड़ान नहीं भर सकता, इसलिए वो घरों के आसपास ही रहना चाहता है। इसलिए घर के आसपास कोई भी ऐसी स्थिति हो जहाँ पानी है, उसे आप साफ़ कर लीजिए। दूसरा प्रश्न आप पूछ रहे थे कि प्लेटलेट्स में एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि प्लेटलेट कम हो जाना हर बार चिंता की बात नहीं है, केवल ये कि हाँ, अगर प्लेटलेट्स शरीर में एक तो लगातार गिर रहे हों, और दूसरा अगर 20,000 से नीचे जा रहे हैं, तो संभावना बढ़ती है कि स्वतः ही कहीं ना कहीं ब्लीडिंग होने की संभावना आ सकती है। और ये ज़रूर है कि प्लेटलेट्स दूसरी बीमारियों में भी कम होते हैं। इसलिए बहुत सी बार क्या हो रहा है कि हमारे पास मरीज केवल प्लेटलेट्स देख के आ जाता है कि प्लेटलेट कम हो गया मतलब डेंगू हो गया, जबकि ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टाइफाइड में भी कम होता है, मलेरिया में भी कम होता है, सब में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। पर यह कि अगर आपके ये लक्षण दूसरे भी साथ में मैच करते हैं तो आपको डेंगू की का ध्यान रखना और उसके लिए उपचार कराने की ज़रूरत है। और तीसरा प्रश्न इनका था, इसमें बात कर रहे थे कि जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज जी हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। हेलो। हाँ मनोज जी। हाँ बोलिए जी। मनोज जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम आप धीमे कर लीजिए और डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछिए प्लीज। हेलो जी, बोलिए मनोज जी। हेलो। हाँ बोलिए मैडम। लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। डॉक्टर साहब, हमारे जो पहले कॉलर थे वो बात कर रहे थे प्रिकॉशन की, सावधानियां, ट्रीटमेंट की। तो यहाँ पे मैं आपसे सीधा साधा सवाल करना चाहती हूँ कि किस तरह से हम डेंगू का जो है वो ट्रीटमेंट हमें चलेगा? ट्रीटमेंट इसमें केवल ये है कि शरीर में पानी की कमी नहीं आए, इसीलिए जैसे ही डेंगू का निदान होता है तो हम उनको ये कहते हैं कि आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाते रहें और ORS भी पिलाते रहें, और इतना सा ध्यान रखें कि आपके बच्चे को यूरिन बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि यूरिन बराबर होना मतलब ये है कि बच्चे के अंदर पानी की कमी नहीं आ रही है।
साइंटिफिक भाषा में हम ये कहेंगे कि सबकी यूरिन आउटपुट 1 ml/kg अगर होता है तो इसका मतलब ये कि हाँ आपके बच्चे के यूरिन, मतलब बेसिक बात यह है कि अगर आपके बच्चे को यूरिन बराबर हो रहा है मुंह से पानी लेने के साथ, तो इसका मतलब ये कि आप उसके शरीर की पानी को कमी को रोके हुए हैं और वही इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा चीज़, अगर जटिलताएँ हो रही हैं ख़ास तौर से तेज़ पेट में दर्द होना, बार बार उल्टी होना या ज़्यादा ब्लीडिंग होना या बेहोशी आना, उस स्थिति में आप घर पर इसका उपचार ना करके इसको अस्पताल ले आएँ। और तीसरी स्थिति है कि इसको बचाव के लिए क्योंकि अभी टीके उपलब्ध नहीं हैं, तो यही आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि मच्छर पहली चीज़ पनपे नहीं, अगर मच्छर हो जाए तो आपको काटे नहीं। उसके लिए क्योंकि खास तौर से ये मच्छर दिन में काटता है सुबह और शाम के समय, आप कपड़े बच्चों को ऐसे पहनाएं कि वो शरीर ज़्यादा से ज़्यादा ढका रहे। जी डॉक्टर साहब, चंद्रशेखर जी हैं सीकर से, जो आपसे बात करना चाहते हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। जी मैम। जी सवाल पूछिए चंद्रशेखर जी। अपनी टीवी का वॉल्यूम आप प्लीज जरा धीरे कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। एक बच्चा है 14 साल का जो हाथ पैरों में बार बार कहता है कि मेरे दर्द होता है, सनसनाहट होती है, सर ये ऐसा क्यों हो रहा है? हाथ पैरों में दर्द होना और सनसनाहटी होना आमतौर पे बच्चे के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है, खास तौर से बी कॉम्प्लेक्स विटामिन अगर कम हो तो आप उसकी खुराक पर ध्यान नज़र रखिए कि अगर वो ढंग से हरी सब्जियां खा रहा नहीं खा रहा, अंकुरित आपके दालें ले रहा नहीं ले रहा है, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स अगर कम होगा तो हाथ पैरों में दर्द होना और झनझनाहट होना सामान्य बात है। तीसरी, आप एक स्थिति और देख लें कि आपका बच्चा अगर उसका वज़न कम हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है, तो हो सकता है कि वो खाना सही भी लेता हो पर उसका शरीर उसको सही तरीके से पचा ना पा रहा हो, तो ऐसी कोई स्थिति हो तो आप एक बार चिकित्सक को दिखा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। उससे पहले कि हम इस शो को ख़त्म करें, डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। जी लक्ष्मी जी हैं करौली से जो आपसे बात करेंगे। लक्ष्मी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए लक्ष्मी जी। जी सर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि माँ के लिए अस्थमा है और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरी मम्मी को अस्थमा है, तो मुझे उनकी इन चीजों से बचना चाहिए, उनका जयपुर से इलाज चल रहा है। हाँ जी, तो अस्थमा में तो बचने के लिए आपको धूल और धुएं से बचाव करने की जरूरत है। दूसरा, बहुत ठंडी चीजें ना खाने दें उनको। और तीसरी चीज, अगर कोई भी व्यक्ति किसी को घर में सर्दी जुकाम है तो उससे दूर रखें, क्योंकि जब भी उनको कोई वायरल सर्दी जुकाम लगेगा तो यह अस्थमा को ट्रिगर करता है, शुरुआत करता है, तो उन स्थितियों से बचाव करें। और घर में अगर आपने कोई अगर कालीन वगैरह बिछा रखें तो वो हटा लें, और अगर कोई कुत्ता बिल्ली कुछ पाल रखा है तो उसको उनसे दूर रखें। तो दोस्तों, आखिर में समय हो गया है जानने का कि आज क्या है दादी माँ का नुस्खा। पपीते के 2 से 3 पत्ते लेकर उन्हें अच्छे से धो लें और इन पत्तियों में अच्छे से पानी निकालकर पत्थर के पट्टे पर आपको पीस लेना है। पीसे हुए पत्तों को हल्के हाथों से दबाकर उनका रस निकाल लें, और क्योंकि ये रस कड़वा होता है, इनमें 1-2 चम्मच शहद मिलाने से बच्चे और बड़े इसे आसानी से पी सकते हैं। जहां बच्चे को इसे दिन में 2 से 3 चम्मच पिलाना चाहिए, वहीं बड़ों को 3 से 4 चम्मच पिलाने से डेंगू से राहत मिल सकती है। आशा करते हैं हमारा ये शो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपको डेंगू से बचने में सफलता जरूर मिलेगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और आपका कीमती समय हमें देने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी सवाल या उसका जवाब, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के साथ साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।